हर आदमी को अपने आप से यह पूछना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरी अंतिम मांग क्या है? जिस मांग की पूर्ति हो जाने पर और कुछ भी इच्छा मन में न रह जाए, किसी की आवश्यकता न रह जाए, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, कंप्लीट इरिडिकेशन ऑफ सारोज, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एफ्लिक्शंस, आप कहेंगे मेरे जीवन का उद्देश्य तो धन कमाना है, खूब धनवान बनना है। कोई कहेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़े विद्वान बनना है। कोई कह सकता है मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है, भगवान पाने की, भगवान दर्शन की। लेकिन प्रश्न यह है, आप धन क्यों चाहते हैं? धनवान क्यों बनना चाहते हैं? विद्वान क्यों बनना चाहते हैं? या पूज्य प्रतिष्ठित क्यों बनना चाहते हैं? भगवान को क्यों पाना चाहते हैं? मोक्ष क्यों पाना चाहते हैं? धनवान बनना अच्छा है, विद्वान बनना भी अच्छा है, मोक्ष पाना अच्छा है, भगवान का दर्शन करना, भगवान को पाना भी अच्छा है, लेकिन क्यों, किस लिए? मोक्ष की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? भगवान पाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? आप धन पाना चाहते हैं, धन की आवश्यकता क्यों? कहेंगे जीवन निर्वाह के लिए। तो जीना क्यों चाहते हैं, किसके लिए? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का एकमात्र उद्देश्य है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, दुखों से सदा सदा के लिए पूर्णतया छुटकारा। दुख है तब हमें मोक्ष चाहिए, दुख है तब हमें परमात्मा चाहिए, दुख है इसलिए हमें शांति चाहिए। रोग ना हो, दवा की क्या जरूरत? भूख ना हो, भोजन की क्या जरूरत? प्यास न लगी हो, पानी की क्या जरूरत?
इसी प्रकार दुख ना हो तो भगवान की क्या जरूरत, दुख ना हो तो मोक्ष की क्या जरूरत। हम सिर्फ दुख से बचना चाहते हैं, अथ त्रिविध दुखात्यंतिक निवृत्ति पुरुषार्थ। इस सांख्य दर्शन का पहला सूत्र है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति पुरुषार्थ है। आत्यंतिक निवृत्ति इस प्रकार से निवृत्ति हो जाना कि फिर से दुख न पैदा हो। भोजन हम करते हैं, भोजन करने से भूख का दुख दूर हो जाता है, लेकिन क्या आप एक बार भोजन कर लिए फिर दोबारा भूख नहीं लगेगी? फिर दोबारा भूख लगेगी, फिर भूख का दुख शुरू हो जाएगा, तो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई। रोग लगा, रोग का कष्ट है, रोग से पीड़ा है, दवाई किए, रोग दूर हो गया, और जब रोग दूर हुआ तो रोग जनित पीड़ा कष्ट दुख दूर हो गए, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि अब दोबारा जीवन में कोई रोग नहीं आएगा? फिर रोग आ सकता है, फिर दुख हो सकता है, तो आत्यंतिक निवृत्ति तो नहीं हुई। आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ है एक बार खत्म हो जाने के पश्चात दोबारा फिर उत्पन्न न होना। उसी को कह देते हैं मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, ब्रह्म और ईश्वर की प्राप्ति। सिर्फ हम दुख से छुटकारा चाहते हैं, और धर्म का जितना भी क्षेत्र है जहां तक दुख से बचने के लिए है। पूजा क्यों करते हैं आप, कर्मकांड क्यों करते हैं, गुरु की सेवा क्यों करते हैं, साधना ध्यान क्यों करते हैं, त्याग वैराग्य क्यों करते हैं? मूल में देखेंगे तो एक ही बात है, दुख से छुटकारा। दुख ना हो तो न धर्म की आवश्यकता, न त्याग की आवश्यकता, न वैराग्य की आवश्यकता, न साधना की आवश्यकता, और दुख ना हो तो भगवान की भी आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे भगवान पा करके जब दुख ही नहीं है? तब आदमी के जीवन में यदि दुख ना होता तो दुनिया में कोई भगवान ना होता, कोई देवी देवता ना होते। ये जितने भी देवी देवता भगवान भगवती हैं, दुख की पैदाइश है। दुख से बचने के लिए ही आदमी ने तमाम देवी देवता ईश्वर ब्रह्म की फौज खड़ी कर ली है कि हमारी रक्षा करेंगे, हमें दुख से बचाएंगे। मूल उद्देश्य है दुख से छुटकारा। अब दुख कहाँ से पैदा होता है, दुख का कारण क्या है? सामान्यतः हर आदमी की ये समझ और सोच है
दुख दूसरे के कारण पैदा होता है। किसी से पूछो आप दुखी क्यों हैं, कोई कहेगा मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, महिलाएं कहेगी मैं पति के कारण से दुखी हूं, या सास के कारण से दुखी हूं, या बहू के कारण से दुखी हूं, कोई कहेगा कि मैं बेटे के कारण से दुखी हूं, कोई कहेगा कि मैं पिता के कारण दुखी हूं, कोई कहेगा भाई के कारण दुखी हूं, कोई कहेगा पड़ोसी के कारण दुखी हूं, कोई कहेगा कि गांव वालों के कारण से दुखी हूं, और कोई कहेगा कि सरकार की व्यवस्था खराब है इसलिए दुखी हूं। हर आदमी अपने दुख का कारण दूसरों को ही बताएगा, और यदि हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं तो हम कभी दुखों से मुक्त हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरे सदैव बने रहेंगे। कोई बिरला कहेगा लाखों करोड़ों में एक मेरे दुख का कारण सिर्फ मैं हूं, मेरा अज्ञान, मेरा अहंकार, मेरी विषयों प्रति आसक्ति। हम दुखी हैं तो केवल अपने कारण दुखी हैं, दूसरे जो लोग हैं व्यवहार में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, हमारी चीजों को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, आर्थिक हानि कर सकते हैं, शारीरिक चोट पहुंचा सकते हैं, हमारी निंदा अपमान कर सकते हैं, हमें गाली गलौज दे सकते हैं, हमारे रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। लेकिन दुख इन सब कारणों से दुखी होना है या नहीं होना है ये हमारी समझ पर निर्भर है, विवेक और अविवेक पर निर्भर है। दुख बाहर का जो दुख होता है जिसे बाहर का दुख मानते हैं उसमें भी मूल है हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार, इच्छा, आसक्ति, तृष्णा। अपने कर्मों पर अविश्वास, अपने प्रारब्ध पर अविश्वास, तो बाहर प्राणी हैं और पदार्थ हैं, और प्राणी पदार्थ सदैव बने रहेंगे, हम इनको मिटा नहीं सकते, और सदैव प्राणी पदार्थ बने रहेंगे, हमारे दुख का कारण ये प्राणी पदार्थ या परिस्थिति है, तब हम कभी दुख से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। प्राणी मिलते रहेंगे, बिछुड़ते रहेंगे, किसी का जन्म होता रहेगा, किसी की मौत होती रहेगी, चीज मिलती रहेगी, बिछुड़ती रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ये सब जीवन में होता रहेगा। संयोग वियोग, अनुकूलता प्रतिकूलता, हानि लाभ, मान अपमान, ये द्वंद्व सदैव बने रहेंगे, न कोई बचा है न कोई बच सकता है। बचा जा सकता है
या मिटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, तो अपनी नासमझी को, अपने अज्ञान को, अहंकार को, इच्छा कामना तृष्णा को, भोगों की लालसाओं को, इनको मिटा दें, फिर दुख कहीं बाहर नहीं है। जो घटनाएं घटेगी उन्हें सहन कर लेना होगा। प्रसंग भिन्न है, लेकिन उस भिन्न प्रसंग को भी हम थोड़े इस संदर्भ में समझ लें। महाभारत में ये बात आती है, महाभारत युद्ध के 36 साल बाद की घटना है। अपने गृह कला से उबकर श्री कृष्ण नारद के पास जाते हैं। आज जन्माष्टमी भी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो श्री कृष्ण अपने गृह कला से उबकर नारद के पास जाते हैं और कहते हैं कि नारद, लोग समझते हैं कि कृष्ण ऐश्वर्यों का उपभोगता है, लेकिन मैं ही जानता हूं कि मेरा मन कितना पीड़ित है। मेरे परिवार में एक से एक योग्य से योग्य लोग हैं, लेकिन वे लोग आपस में एक दूसरे से इतना झगड़ते हैं कि नाकों दम कर देते हैं। मैं क्या करूं, कुछ उपाय बताइए। तब नारद ने कहा था, कृष्ण, आदमी के जीवन में दुख दो प्रकार से आते हैं, एक बाहर से, एक भीतर से। बस यही बात हमें समझना अपने जीवन में, एक बाहर से, एक भीतर से। लेकिन मूल बात यह है, बाहर का दुख भी भीतर से ही पैदा होता है। हम बाहर से दुख जो कहते हैं, वही भीतर से पैदा होता है। बाहर का दुख क्या है? हम जा रहे हैं रास्ते में, अचानक किसी पेड़ की डाल टूटी और हमारे ऊपर आकर गिर गई, हमें चोट लग गई। हमने कोई अभी कोई तत्काल गलत काम तो नहीं किया है। जा रहे रास्ते में अचानक कोई कीड़ा उड़ते हुए आकर के हमारे आंखों में चला गया, अब दर्द हो रहा है। अभी हमने कोई गलत काम तो नहीं किया तत्काल। भूकंप आ गया, हमारा मकान टूट गया, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया अभी तत्काल में। आग लग गई, मकान जल गया, खेत की फसल जल गई, अभी हमने कोई गलत काम तो नहीं किया तत्काल में। ऐसे मतलब बाहर से प्राकृतिक उत्पादों से या किसी अन्य कारण से जो कष्ट हो जाता है, हानि हो जाती है, मानो ये बाहर के दुख हैं। भीतर का दुख, मैंने किसी को गाली दे दी और उसने मुझे दो चांटा लगा दिया, ये भीतर का दुख है। मैं गाली न देता तो मुझे चांटा ना मारता। ऐसे आप और समझ लें,
लेकिन चाहे बाहर का दुख हो चाहे भीतर का दुख हो, दोनों में जिम्मेदार हम स्वयं हैं। मुख्य रूप से जो दुखी होते रहते हैं आज, उसके जिम्मेदार तो हम स्वयं है ही, लेकिन जहां हम देखते हैं तत्काल हमारा भी कोई दोष नहीं है, उसमें भी जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमने कभी न कभी कोई न कोई गलत काम किया था या किया है। अब जो किया है वो गलत काम का फल तो आएगा, चाहे व्यापार में हानि के रूप में आए, चाहे परिवार में किसी की मृत्यु के रूप में आए, चाहे सामाजिक अपमान के रूप में आए, चाहे किसी और रूप में आ जाए, चाहे किसी एक रोग के रूप में आ जाए, ये सारे के सारे कारण जो दुख हैं हमारे गलत कर्मों के कारण है। अभी नहीं किया, हमने कभी किया है, कभी ना कभी हमने गलत बीज बोया है, और जब गलत बीज बोया है हमें मालूम नहीं है, लेकिन बोया तो हमने है ना, उसकी फसल तो आएगी। आवश्यकता है धीरज रखने की। कोई भी जब दुख आता है तब हम धैर्य छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं, परिणाम क्या होता है, हमारा दुख और बढ़ जाता है। धीरज रखें, घबराएं ना, वर्तमान में जो करने लायक उचित काम है वो करते चले। दुख आया है तो चला ही जाएगा, लेकिन हमारे पास धैर्य नहीं होता। हम दूसरों को दुख देने लग जाते हैं, दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, बेहार और बिगाड़ लेते हैं, गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और अपने कर्म खराब कर लेते हैं, दुख को बढ़ा लेते हैं। बाहर का जो दुख है किसी प्राणी से या किसी प्राकृतिक उत्पाद से आया, जैसे अत्यधिक वर्षा हो गई, आपकी फसल डूब करके बर्बाद हो गई, बड़ी मेहनत आपने की थी फसल डूब करके बर्बाद हो गई। किसे लड़ाई करोगे, बादल से कि पानी से, मुकदमा किस पर दायर करोगे? फसल पूरी पककर तैयार है, आग लग गई, क्या करोगे? या किसी और कारण से नुकसान हो गया, फसल पककर तैयार है, अंतिम में पानी नहीं बरसा, सूख गई फसल, मेहनत आपकी बेकार हो गई, क्या करोगे? बढ़िया आपने मकान बनाया, आलीशान बिल्डिंग बनाई आपने, बहुत कीमती मकान बनकर तैयार हुआ, जोर का भूकंप आया, दीवार फट गई, नाराज किस पर होगे, गुस्सा किस पर करोगे, लेंगे झगड़ा किससे करोगे, सहन करोगे कि नहीं करोगे? पूरी की पूरी फसल अतिवर्षण से, बाढ़ से या अवर्षण से बेकार हो गई, आप सहन कर लेते हो, लड़ते झगड़ते नहीं हो, लेकिन उसी खेत में से कोई आधा बोझा काट कर ले जाए तब क्या होगा?
मार पीट लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या क्या मुकदमाबाजी शुरू हो जाएगी। फसल तो गई वो भी मात्र आधा बोझा, लड़ाई झगड़ा करके के जीवन को कितना बर्बाद कर लिया, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी वर्षा से, सहन कर ले जैसे आपने सहन कर लिया धीरज रख लिया, अरे ले गया कोई आधा बोझा, कोई रहा होगा कोई कारण, भूखा रहा होगा कोई कारण रहा होगा, शांत रह जाते तो और दुख आपको न बढ़ता। लेकिन हम धीरज नहीं रख पाते, प्राकृतिक उत्पादों प्राकृतिक जो उत्पाद होते हैं उससे जब हम सहन कर लेते हैं, ऐसे ही सहन कर लें तब मकान बना, भूकंप आया पूरी दीवार फट गई, सहन कर लेते हैं। लेकिन मकान में कोई अंगूठी से ऐसे खींच देना, सहन नहीं होता है हमको। अंगूठी से क्यों खींच दें तो एक चिन्ह पड़ जाए, सहन नहीं होता है, फिर तो पता नहीं मारपीट शुरू कर देते हैं। हम सहन करना धीरज रखना जानते ही नहीं है। दुख का एक कारण यह होता है असहनशीलता, असहनशीलता के पीछे है इच्छा आसक्त अहंकार। लेकिन ये समझना होगा बाहर से जो भी दुख आया है वह मेरे अपने गलत कर्मों का परिणाम, अब कोई मनुष्य दुख दे रहा है तो वहां भी हमें समझना होगा कि मैंने ही इसके साथ कभी गलत व्यवहार किया रहा होगा, कभी मैंने इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कोई गलत काम किया रहा होगा, उसी का परिणाम आया है। दुख का कोई ना कोई माध्यम होगा, बिना माध्यम के दुख मिलेगा नहीं। हम कोई भी काम करेंगे दुख जो आएगा, कैसे आएगा दुख, आकाश से तो टपकेगा नहीं, माध्यम होगा। तो माध्यम प्राकृतिक घटनाएं हो सकती है, तो प्राकृतिक घटनाएं जब माध्यम बनती है तो वहां हम शांत रहते हैं धीरज रखते हैं। ऐसे ही हो माध्यम कोई मनुष्य है, वहां भी हम थोड़ा धीरज रख लें, समझदारी का प्रयोग कर लें, झुक जाएं तो अनावश्यक हमारा व्यवहार खराब नहीं होगा। ये समझ लें कि दोषी ये व्यक्ति नहीं है, दोषी तो मैं हूं जो मैंने कभी गलत काम किया था। कोई भी आदमी हो हमारा अपमान करता है, तिरस्कार करता है, निंदा करता है, हानि करता है, उस समय हम समझ लें कि ये व्यक्ति सिर्फ माध्यम है। दोषी ना, उसके लिए दया का भाव रखें, काम तो मैंने गलत किया था और ये व्यक्ति माध्यम बन करके अपने संस्कार को खराब कर रहा है, अपने लिए दुख के बीज रहा है, उस व्यक्ति के लिए करुणा का भाव मन में आ जाए तो कभी द्वेष नहीं पैदा होगा। अनेक बार उदाहरण दिया गया है, जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई बंदूक है या पिस्तौल है, उस व्यक्ति की किसी से दुश्मनी है, सामने उस व्यक्ति दिखाई पड़ा, बंदूक का घोड़ा दबाया, गोली निकली, आदमी को मार दिया, उस आदमी की मौत हो गई, सजा किसको होगी, बंदूक को या बंदूक चलाने वाले को? गोली तो बंदूक से निकली है ना, तो जेल बंदूक को होना चाहिए, आदमी ने तो गोली चलाई नहीं अपने पास से, जेल से निकालकर तो मारा नहीं है, गोली बंदूक में भरी थी, अब बंदूक से गोली निकली, इसलिए सजा हो, फांसी हो, आजीवन कारावास हो, बंदूक होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। बंदूक चलाने वाले को सजा होती है,
फांसी उसकी होती, बंदूक सिर्फ माध्यम है। ऐसे ही जो दुख आ रहा है ना, मैंने बंदूक का घोड़ा दबाया था कभी, वह व्यक्ति माध्यम है कि मैंने कभी गलत काम किया था, कोई ना कोई गलत काम किया था, तो गलत काम करना बंदूक चलाना है मेरा, वो व्यक्ति तो गोली वहां से निकल रही है, बस दुख वहां से आ रहा है, तो दोषी वो नहीं है, दोषी मैं हूं। हां, वह व्यक्ति मुझे दुख दे करके अपने संस्कार खराब कर रहा है, अपने दुख के बीज बो रहा है, उसके लिए करुणा का भाव, दया का भाव मन में लाए तो क्या होगा, एक तो हम परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, और दूसरा उसके लिए हमारे मन में द्वेष भाव पैदा नहीं होगा, बैर भाव पैदा नहीं होगा, हम अपने और संस्कार को खराब नहीं करेंगे। और ये समझ लें कि ये जो दुख आया है मेरे गलत कर्मों के परिणाम में आया है दुख, और मैंने तो गलत काम किया था, इसका फल तो मुझे कभी न कभी भोगना ही था, बिना भोगे छुटकारा तो मिलना नहीं था अपने गलत कर्मों से, कभी न कभी भोगना ही था। अच्छा हुआ ये दुख आज आ गया, आज तो मेरे पास बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है, सहने की शक्ति है, अच्छा हो गया दुख आ गया। और ये दुख आया तो मेरे एक पाप कर्म का बोझा घट गया, दुख आ गया तो एक पाप कर्म खत्म हो गया, फल दे करके बोझा खत्म हो गया। इस दुख के बहाने से मेरे एक पाप कर्म घट गए जो मैंने पहले किया था, तो उसमें दुखी होने की आवश्यकता क्या है, किसी से लड़ने झगड़ने की आवश्यकता क्या है, ये विचार हम मन में ले आए ना, तो बड़े से बड़े विपत्ति आने पर, बड़ा से बड़ा दुख आने पर हम घबराएंगे नहीं और दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेंगे नहीं। लेकिन हम मान लेते हैं इस आदमी ने मुझे दुख दिया, उसे द्वेष बना लिए, बैर विरोध का व्यवहार करने लग गए, फिर एक नए दुख का बीज हमने बो लिया, और अनादिकाल से ये क्रम चलता आ रहा है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। दुख से बचना है, बड़ी बड़ी विपत्ति आ जाए उसको सहन करना है, धीरज रखना है, तो रास्ता यही है कि मैंने गलत काम किया था, उसका फल मुझे मिल गया, दोषी मैं हूं, दोषी दूसरा नहीं है। तो इससे क्या होगा, मन में धीरज होगा। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के माध्यम से दुख आ रहा है उसके प्रति द्वेष भाव, बैर भाव, ईर्ष्या का भाव मन में नहीं बने, हमारे संस्कार खराब नहीं होंगे। तीसरा, यदि हमने उसके लिए ये सोचा ये व्यक्ति ऐसा गलत कर्म करके अपने दुख का बीज बो रहा है, दया का करुणा का भाव ले आए, तो एक तो हमारे संस्कार और शुद्ध हो जाएंगे, पहले के पाप कर्म और कटने लग जाएंगे, और फिर उस व्यक्ति के दुख को दूर करने का हम काम करेंगे। कहा जाता है, करुणा की बात आई तो ये कहा जाता है, कहानी बहुत प्रसिद्ध है, महावीर स्वामी साधना कर रहे, तपस्या कर रहे थे, खड़े खड़े पता नहीं वो कितने दिन घंटे तपस्या करते रहते, साधना करते थे। एक बार एक जंगल में खड़े होकर बैठ करके वे अपनी साधना में लगे हुए थे, बोलते नहीं थे बिल्कुल। जंगल से लगा हुआ किसान का खेत था, खेत जोत रहा था, समय हुआ दोपहर का, घर जाना था खाना खाने के लिए, सोचे कि बैल को ले जाऊंगा फिर लाऊंगा, समय लग जाएगा, बैल को छोड़ देता हूँ, बैल चारा चढ़ते रहेंगे। महावीर स्वामी के पास गए, बाबा
मेरे बैलों को देखते रहना, अभी मैं थोड़ी देर में घर से खाना खा करके आ रहा हूँ, चल दिए। महावीर स्वामी तो उससे क्या लेना देना, वो तो चुप साधना में। थोड़ी देर बाद जब व्यक्ति घर लौटा तो बैल गायब, बैल वहाँ है नहीं, खोजे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था तुम्हें मेरे बैल को देखते रहना, कहाँ गए मेरे बैल? चुप। कई बार पूछा, कुछ उत्तर ही नहीं दिया। तब वो व्यक्ति अपने बैल खोदने चले गए जंगल में। काफ़ी देर ढूंढ ढूंढ कर आया तो देखता क्या है, बैल वहीं आकर के फिर चर रहे थे। तो उसने सोचा ये साधु साधु कुछ नहीं है, ढोंगी पाखंडी है, ये बैलों का चोर है। पूछा तो कोई बताया नहीं, अब अभी आया देखा, इतने देर होकर बैल चल रहे थे, अभी शाम होती तो मेरे बैल को चुरा करके ले जाता, ये केवल नाटक कर रहा है बहरा होने का। जंगल तो थी ही, लकड़ी छीली और दोनों कानों में लकड़ी ठोंस दी, खून बहने लगा। फिर भी महावीर स्वामी चुप शांत, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऐसे लकड़ियां ठोकी थी, कई दिन बीत गए। एक दिन महावीर स्वामी भिक्षा के लिए एक गांव में गए। एक भगत ने देखा कानों में लकड़ियां ठोकी हुई है, खून बह रहा है, रोक लिए उनको और कानों में जो लकड़ियां ठोकी थी उनको निकाल करके दवाई लगा दिए। तो उस समय कहा जाता है महावीर स्वामी की आंखों में आंसू आ गए। तो आंसुओं को देख करके वो भक्त ने कहा, स्वामी जी क्या बहुत दर्द हो रहा है? दर्द तो उस समय हो रहा था कि जब लकड़ियां ठोकी हुई थी, अब तो लकड़ियां निकल गई, दवा भी लग गया तो दर्द कम हो गया, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? तो महावीर स्वामी ने कहा, दर्द कहां से, मेरे आंखों में आंसू नहीं आए हैं। तो क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई गलत काम किया था, कोई पाप कर्म किया था, उसके परिणाम में मुझे ये सजा मिली, और मैंने तो अपनी साधना के बल पर इस दर्द को सहन कर लिया, ये सोच करके मेरा मन दुखी हो गया। जिस किसान ने मेरे कानों में लकड़ियां ठोकी थी उसको फल मिलेगा, बेचारा कितना दुखी होगा, ये सोच करके मेरी आंखों में आंसू आ गया। कितनी करुणा थी उनके मन में, अपने दुख से दुखी नहीं है, तो किसान को जब इसका फल मिलेगा वो दुखी होगा तो कितना परेशान हो जाएगा बेचारा, उसको सोच करके दुखी है। क्या हम अपने मन में ऐसा भाव रख पाते हैं? यदि ऐसा रख लेना किसी के लिए भी तो कहीं द्वेष भाव, बैर भाव, कलह, ईर्ष्या का भाव तो आएगा ही नहीं। दुख से बचने का साधन यही है, कलह से, विवाद से बचने का साधन यही है। तो मुख्य बात तो यह है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, दुखों की निवृत्ति। अब पुराने हमने जो क्या क्या कर्म किए हमें मालूम नहीं है, और मालूम करने से कोई फायदा भी नहीं है। आज हम जो दुखी हो रहे हैं इसके पीछे मुख्य कारण है अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, ये उपादान कारण है। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। उपादान जिससे कोई चीज बनती है, जैसे कुर्सी कार्य है, उपादान कारण क्या है, लकड़ी। मिट्टी का घड़ा कार्य है, उपादान कारण क्या है, मिट्टी। मिट्टी ना होती घड़ा किससे बनता, लकड़ी ना होती कुर्सी कैसे बनती, किससे बनती।
तो जिससे कोई चीज बनती है, मूल कारण, जिसके बिना वो चीज बन ही नहीं सकती, उसको कहा जाता है उपादान कारण। निमित्त कारण बाहर के, जैसे कि कुर्सी बनने में उपादान कारण तो लकड़ी है, निमित्त कारण बढ़ई, बढ़ई के औजार। घड़ा बनने में उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुम्हार, कुम्हार के दंड चक्रा आदि। ऐसे ही हमारे दुख के दो कारण हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। निमित्त कारण बाहर के प्राणी और पदार्थ, उपादान कारण हमारा अहंकार, अविवेक, अज्ञान, आसक्ति। हम निमित्त को मिटा नहीं सकते, न प्राणियों को मिटा सकते हैं, न पदार्थों को मिटा सकते हैं, और न ही सारे प्राणी और पदार्थों को अपने अधिकार में रख सकते हैं, अपने अनुकूल बना करके रख सकते हैं। परिस्थितियों को भी हम अपने अनुकूल बना करके नहीं रख सकते, ये सब परिवर्तनशील है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पदार्थ बदलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, छूटते रहते हैं, प्राणी भी, प्राणियों में खासकर मनुष्य, ये भी मिलते भी छूटते रहते हैं। और जैसे मेरे पास अपना मन है, वैसे हर मनुष्य के पास अपना मन है। जैसा उसका मन होता है, वैसे वो कार्य व्यवहार करता रहता है। अब सबकी सब मेरे मन के अनुकूल ही कार्य करें, संभव कैसे है? दुनिया में एक भी आदमी मेरे विपरीत काम ना करे, दुनिया में कोई भी परिस्थिति मेरे मन के प्रतिकूल ना हो, और मैं जब जो चाहूं वो चीज मुझे मिलती रहे, तब मैं दुखों से मुक्त होऊंगा, ये सोचना उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति कहे अभी बर्फ बहुत ठंडी है, इसे आग में भून देता हूं ताकि जब गर्म हो जाएगी तब खाऊंगा। तो जैसे बर्फ को आग में भून करके खाना असंभव है, ऐसे ही सभी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को अपने मन के अनुकूल बना करके हम सोचे हम दुख से मुक्त हो जाएंगे, असंभव है। निमित्त बने रहेंगे बाहर, उपादान को मिटा दें, अपने अहंकार को मिटा लें, अज्ञान आसक्ति को मिटा लें, बस दुख रह ही नहीं जाएगा। लेकिन हम ये काम नहीं करते। अहंकार हमारा हमेशा बढ़ा चढ़ा रहता है, अज्ञान तो है ही अनादिकालीन, और आसक्ति, यदि अज्ञान मिट जाए तो अहंकार भी मिट जाएगा, आसक्ति भी मिट जाएगी। अहंकार और आसक्ति दोनों के मूल में तो अज्ञान और आसक्ति है, अज्ञान और अविवेक है। अपने अज्ञान को स्वीकार करना सहज नहीं है, और जान भी लिए तो दूर करना भी सहज नहीं है। तो बात यह है कि जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि अपने दुखों का कारण मैं स्वयं हूं, मेरा अविवेक, मेरा अहंकार, मेरी आसक्ति, ये मेरे दुख का कारण है, तब तक हम कभी दुखों से मुक्त हो नहीं सकते। अहंकार, किसका अहंकार, किस चीज का, हमारा है क्या? मूलतः जरा समझें, खाली हाथ नंगे बदन पैदा हुए, बड़े हुए सब चीजें मिलती चली गई,
और इस दिन क्या होगा? यही चीजें मिली, यही कि यही रह जाएंगी। अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का ही होता है, अहंकार सदैव उन वस्तुओं का होता है जो वस्तुएं हमारी अपनी नहीं होती है। और झूठी क्या है? मिले और बिछुड़ जाए, कभी हमारे साथ सदैव न रहे, वो चीजें झूठी है। अब सोचिए ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे साथ सदैव रहती है? शरीर ही सदैव नहीं रहने वाला है। जन्म पहले कहाँ था हमारे शरीर? मौत के बाद कहाँ रहेगा ये शरीर हमारे साथ? और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ कहाँ रहेंगे? हमारा है क्या? तो अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का होता है। जितना जितना हम अपने आप को प्राणियों से, पदार्थों से, पद से, परिस्थिति से, योग्यता से, बुद्धि से, बल से जोड़ते जाएंगे, उतना अहंकार बढ़ता चला जाएगा। किसी से जोड़े ना, जो है उपयोग करें आत्मकल्याण के लिए, निर्वाह के लिए और दूसरों की सेवा के लिए। चीजें यही मिल ये छूट जाएंगे। अहंकार से बचना है तो दो रास्ते हैं, रास्ते तो दोनों एक ही है। दुनिया में मुख्य रूप से दो मानसिकता के लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग। एक लोग होते हैं भक्ति प्रधान हृदय वाले, श्रद्धा प्रधान हृदय वाले, कहना चाहिए हृदय प्रधान मनुष्य लोग। और एक होते हैं बुद्धि प्रधान, ज्ञान प्रधान लोग। भक्ति भावना है और ज्ञान है। भक्ति भावना वाले लोग ये सोच लें कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान का है, भगवान की मर्जी, वो जब तक चाहता है मेरे पास सौंप दिया है मुझको, मुझे भगवान की चीज है इसकी रक्षा करने है। और भगवान जब चाहेगा तब बुला लेगा, भगवान जब चाहे तो वापस ले लेगा। भगवान ने दी थी, भगवान ले लिया, दुखी होने की क्या बात है? मेरी चीज तो थी नहीं, भगवान ने मुझे सौंपी थी रखवाली के लिए, तब तक मैंने रक्षा की, उपयोग किया, भगवान ने चाहा वापस ले लिया। जब मेरे चीजें मेरी थी नहीं, भगवान की थी, भगवान वापस ले ली, तो दुखी होने की क्या बात है? फिर अहंकार किसका? चीज मेरी होती तब तो मैं अहंकार करता, चीज बिगड़ जाती मेरी होती तब मैं दुखी होता। चीज तो भगवान की थी, भगवान की दी हुई थी, तो जो चीज मेरी नहीं है उसका अहंकार क्यों करूं? उसे अपना मान करके अपने को बड़ा क्यों मानूं? और फिर भगवान जो करता अच्छा करता है, सुख देता है उसमें भगवान की मर्जी, दुख देता है उसमें भगवान की मर्जी। भगवान तो न्यायी है, दयालु है, कृपालु है, ये भाव रख ले तो ना अहंकार होगा न दुख होगा। लेकिन भक्ति भी करते हैं और चाहते क्या है? भगवान देखना जो चीजें मुझे मिली ना, बढ़ाना इसको, घटाना मत। अब भगवान कहीं बढ़ा दिया ना तो कहे वाह भगवान बड़ा दयालु है, भगवान बड़ा कृपालु, भगवान बड़ा न्यायी है। अब घटा दिया तब इसलिए तुम्हारी पूजा करता रहा, तुमने रहा तुम बड़े निष्ठुर हो गए हो, क्रूर हो गए हो, पता शिकायत शुरू हो जाती है, भक्ति भावना सब गायब हो जाती है। तो भक्ति भावना हृदय में यह माना जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब भगवान का है, और भगवान जो करता है अच्छा करता है, ये भाव मन में बना लें तो न अहंकार होगा न दुख होगा। अब दूसरी बात, ज्ञान प्रधान लोग हैं, मस्तिष्क प्रधान लोग, विवेकी, विवेकी सोचते हैं मेरा कुछ नहीं है, मैं तो शुद्ध चेतन हूं, जो कुछ है सब प्रकृति का है, प्रकृति का खेल है। अब प्रकृति में
निरंतर परिवर्तन की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें चीजें मिल रही जुड़ रही है, प्रकृति की चीजें थी, प्रकृति में से बनी थी, प्रकृति में लौट गई। मैं तो असंग चेतन आत्मा हूं, शुद्ध हूं, मेरा क्या है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये सोच ले तो दुख नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। चीज मेरी होती, मुझे आत्मा की होती, चेतन जीव की होती तो मैं अहंकार करता, लेकिन चेतन तो असंग है, निर्लेप है, निराधार है। बाकी चीज मुझसे अलग जो कुछ है सब प्रकृति का विस्तार है, उसमें बनना बिगड़ना लग रहा है। तो जब मेरा कुछ है नहीं तो अहंकार क्या करूं, अब मेरा कुछ है नहीं तो बिगड़ने पर दुखी क्यों हूं। चाहे चीजें प्रकृति की हो, चाहे चीजें जो लोग मानते हैं भगवान की हो, मेरा कुछ नहीं है, ये भावना हम रख लें, चाहे ज्ञान दृष्टि से रख लें, चाहे भक्ति दृष्टि से रख लें, अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब जब अहंकार ही नहीं है, अहंकार के लिए गुंजाइश नहीं है, तो दुख की गुंजाइश नहीं हो। दुख की गुंजाइश तभी बनती है जब अहंकार मौजूद होता है, अज्ञान मौजूद होता है। अज्ञान खत्म, मैं शुद्ध चेतन असंग अकेला हूं, और मेरे अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा दुख दे नहीं सकता, तो किस बात का दुख। लेकिन हम जोड़ लेते हैं अपने को, और मन के प्रतिकूल जहां भी हुआ बस दुखी हो गए, सब भक्ति भूल जाती है, ज्ञान भूल जाता है, विवेक भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। कमजोरी हमारी अपनी है, आसक्ति बनी हुई है, चिपकाहट। ये आसक्ति, ये चिपकाहट, मेरी मानने की भावना, ये दुख का कारण है। और मैं मेरी की भावना मिट गई, दुख का कारण कहीं रहेगा ही नहीं। किस लिए भी दुख। तो अपनी बात मैंने शुरू की थी, जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन के एकमात्र उद्देश्य है दुखों से आत्यंतिक छुटकारा, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, और इसी के लिए हम अनेक उपाय करते हैं। और दुख का मूल कारण है हमारा अविवेक, और फिर अविवेक से उत्पन्न कर्म। अविवेक है तो हम अनेक प्रकार के गलत कर्म करते हैं। अब जो कर्म कर चुके हैं वो तो हो गया, आज किसी से भी जोड़ करके, चाहे नाम से जोड़ करके, चाहे रूप से जोड़ करके, और नाम और रूप में सारे पदार्थ आ जाते हैं। दुनिया में जो कुछ भी है नाम और रूप में सब आ जाते हैं। हर चीज का नाम है, हर चीज का एक रूप, रूप मतलब बाहरी आकार। ये नाम और रूप प्रति जब तक अहंता ममता बनी रहेगी, प्रीता बनी रहेगी, तब तक हम दुखों से मुक्त हो नहीं सकते हैं। और नाम रूप के प्रति प्रीता खत्म, अहंता ममता खत्म, तो दुख का कोई कारण नहीं है। सब्बसो नाम रूपस्मि यस नत्थि ममायतम अस्तचन सोचति सभी भुखिति उच्चति। ये तथागत बुद्ध धम्मपदम में कहते हैं, सब्बसो नाम रूपस्मि यस नत्थि ममायतम। जहां तक नाम और रूप है, और नाम रूप में पूरी दुनिया आ जाती है, जितने भी नाम रूपात्मक पदार्थ हैं उनमें जिसकी जरा भी आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, नाम रूपात्मक पदार्थों के प्रति जो सर्वत्र अनासक्त हो चुका है, अपने को अलग से बिल्कुल डिटैच कर चुका है, अटैचमेंट जो है ना, ये अटैचमेंट ही दुख का कारण है। यदि अटैचमेंट ना होता तो दुख का कारण नहीं है। आपको हमको डिटैच करना होगा, आपको प्रयोग करते हुए भी डिटैच करना होगा। तो नाम और रूप प्रति जिसकी आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, और अस्ताचर सोचती, और जो चीजें नहीं रह गई
मिली छूट गई, बिगड़ गई, नष्ट हो गई, उसके बारे में जो रंच मात्र भी नहीं सोता, उसकी चिंता नहीं करता, उसका दुख खत्म। किसका दुख? आसक्ति है इसलिए दुख, जो चीजें मिल करके छूट गई उसकी चिंता है इसलिए दुख, और मूल में है अहंकार। आसक्ति अहंकार खत्म तो दुख का कोई कारण नहीं है। दुख से बचना है तो आसक्ति और अहंकार को खत्म करना होगा, मिटाना होगा। सारी साधनाएं, सारे पूजा पाठ इस आसक्ति और अहंकार को मिटाने के लिए होना चाहिए, पाने के लिए नहीं। जिसे हम पाना चाहते हैं वो नित्य प्राप्त है, वो कभी बिछड़ा ही नहीं है। आसक्ति और अहंकार के कारण हम बाहर से प्राणी पदार्थों पाना चाहते हैं, इसलिए अपना जो पदार्थ है उसे हम भूल गए हैं। तो बस करना यह है, जो अपना है उसको जानना है, और जो अपना नहीं है उसके आसक्ति और अहंकार को छोड़ देना है। अपने को जान लिए, अपना नहीं उसके आसक्ति अहंकार को छोड़ दिए, दुख का उपादान जो कारण है खत्म हो गया। अब दुखी होने का कोई कारण रह ही नहीं गया। और जब तक जो अपना है उसका बोध नहीं होगा, सच्चा निर्भ्रांत बोध नहीं होगा, और जो अपना नहीं है उसका राग, उसका अहंकार, उसकी आसक्ति दूर नहीं होंगे, तब तक चाहे भगवान मिल जाए, चाहे कुछ मिल जाए, हम कहीं चले जाएं, दुख से बच नहीं सकते हैं। तो दुख निवृत्ति जीवन का उद्देश्य, इसका साधन है आसक्ति अहंकार का विसर्जन। बस आसक्ति अहंकार विसर्जित हो गए, जीवन से दुख सदा के लिए विसर्जित खत्म हो गया। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।